रणथंभौर के जंगलों में तीन लोगों को मौत के घाट उतार चुका बागटी 104 ने वन विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते दम तोड़ दिया है। यह राजस्थान का सबसे खूंखार बाघ चीकू था, जिसे मंगलवार को उदयपुर लाया गया था। पिछले 3.5 सालों से बाघ चीकू एनक्लोजर में बंद था। मंगलवार सुबह ही उसे ट्रैंकुलाइज कर रणथंभौर से उदयपुर के सज्जनगढ़ सेंचुरी में शिफ्ट किया गया था। माना जा रहा है ट्रैंकुलाइज के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही कर दी और उसे ओवरडोज दे दिया। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे वन टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज किया था। इसके बाद गर्मी को देखते हुए बर्फी की सीलिया भी उसके पिंजरे के पास लगाई गई थी। इसके बाद सड़क के रास्ते 8 बजे उसे सज्जनगढ़ भेजा गया। करीब 6 घंटे बाद उदयपुर पहुंचने पर उसकी मॉनिटरिंग की गई। इसके बाद सब सही लगने पर उसे 8 बजे पिंजरे से बाहर पार्क छोड़ दिया गया। इसके बाद बाघ चीकू कभी पॉन्ड में तो कभी इधर उधर नॉर्मल घूमता रहा। रात 11:15 बजे के बाद चीकू एक जगह बैठ गया। इसी निढाल सा देख कर मॉनिटरिंग कर रहे वन कर्मियों को संदेह हुआ। उन्होंने चेक किया तो चीकू की मौत हो चुकी थी। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्न की प्रोजेक्ट में महारत हासिल, घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5 उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 9783262618 and 9828141898।